खेतों में अब खरपतवार जीरो, एक वीडियो मैंने ये बनाई थी। और इस वीडियो में मैंने किसान भाइयों को बोला था कि ऐसे एक वीड मैट आती है, इसको वीड मैट बोलते हैं। तो ये वीड मैट अगर किसान भाइयों ने खेत में डाली तो जो खरपतवार है वो बिल्कुल नहीं आएगी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत किसानों को आ रही है कि भाई उनको अभी मजदूर नहीं मिल रहे, खेतों में काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे, तो उसके ऊपर उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी खेतों में काम करने के लिए आदमी क्यों नहीं मिल रहे, इसके लिए कई सारे जवाब है। तो ठीक है, वो बाकी मुद्दा जाने दो। लेकिन खेत में अगर खरपतवार आई तो जैसे मैंने बोला कि वो निकालने के लिए बहुत पैसा लगता है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई किसान भाई वेजिटेबल लगवा रहा है, कोई सब्जी लगवा रहा है, तो 4 महीने की क्रॉप रहती है कम से कम, और हर हफ्ते उसको खरपतवार निकालनी पड़ती है, और एक हफ्ते का खर्चा है कम से कम 5,000 रुपया। तो 5,000 × 16 हफ्ते, तो ये गणित लगवा दीजिए आप, कितना बड़ा खर्चा है। ये खर्चा तो आपको दिखता है क्योंकि आपके जेब में से जाता है, लेकिन वो खर्चा भी जरूरी है कि जो आपके जेब में कम आता है पैसा, वो कौन सा? देखो, खरपतवार में जो कीड़ आती है वो कीड़ बाद में आपके पौधों पर जाती है, तो वो नियंत्रण करने के लिए अलग से पैसा लगता है। उसके वजह से फसल में जो भी प्रॉब्लम आती है वो अलग से दिक्कत है। उसके बाद जो आपका खाद वगैरह आप डालते हो तो वो खरपतवार खा लेती है, तो उसकी वजह से फसल में आपको उतना अच्छा उत्पाद नहीं मिलता है। और अब भी देखो बारिश के दिन है, तो बारिश के दिनों में किसानों को सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब तक बारिश रुकती नहीं और कुछ सूखा होता नहीं है, हमारे मराठी में उसको वापसा बोलते हैं, कि तब तक वहाँ पे खेत में जाके कोई एक आदमी काम ही नहीं कर सकता जब तक खेत में कीचड़ है। तो ऐसे समय पे मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ, तो ऐसे समय पे दिक्कत क्या आती है कि जो खरपतवार है वो बहुत बड़ी हो जाती है, आपका क्रॉप छोटा रह जाता है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आप खेत में ही नहीं जा पा रहे, और आप सिर्फ देखते रह जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। आपने जो भी शुरुआती दौर में जो भी डोज डाले थे, जो भी खाद डाली थी, वो खरपतवार खा गई, लेकिन जब तक सूखेगा नहीं तब तक आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। और अगर बारिश लंबी चली तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वो सूखता ही नहीं है। तो वैसे समय पर अगर आपने ये डाल के रखा होगा पहले से आपके खेत में वीड मैट, तो आपको ये दिक्कत से भी समाधान मिल जाएगा। तो इसके बारे में कई किसानों ने कई अलग अलग सवाल पूछे थे, मैं अभी इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि जैसे सवाल आएंगे वैसे इसके बारे में मैं आपको जवाब दूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो पहला सवाल जो भी है मैं अपन लेते हैं, ये सब ये देखो, ये एक सवाल लेते हैं कि आपकी यह पोस्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैंने अपने 2 एकड़ में अमरूद का बाग लगा रखा है जो 13x13 फुट पर है, और संपूर्ण बाग ओपन ड्रिप इरिगेशन, मतलब उन्होंने ड्रिप किया है, तो खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? तो देखिए, जब कभी कोई किसान भाई फल बाग की बात करेगा ना, तो फर बाग में ये वीड मैट का उपयोग कैसे करना है कि फर बाग में कभी भी 2 पौधे में का अंतर ज़्यादा रहता है। देखिए, ये अंतर कम से कम 10-10 फीट रहता है, ये अंतर 10 फीट रहता है, कई बार ये अंतर 15-15, 20-20 फीट तक रहता है। तो वहाँ पे आपने आपके जो पौधे है उसके बाजू में इसको लगवा दिया तो वहाँ पे खरपतवारी आएगी नहीं। तो जो फल बाग वाला बात है वहाँ पे दिक्कत क्या रहती है कि ये जो बीच वाला एरिया है ना, यहाँ पे आप कोई भी ट्रैक्टर मशीन के सहाय से सब काम करते हैं, लेकिन जो पेड़ के आजू बाजू का एरिया है तो वहाँ पे वो मशीन जा नहीं पाती, गई तो कई बार पेड़ को नुकसान करती है, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई, अगर कोई किसान बोलेगा कि नहीं भैया मुझे बीच में भी ये डाल देना है, बिल्कुल मुझे ये सब प्रॉब्लम से मुक्ति ही पाना है, तो आप वैसे भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अमरूद के पेड़ के लिए बिंदास आप इसका इस्तेमाल करो, आपको बड़े पौधे के लिए इसकी लाइफ भी अच्छी मिलती है क्योंकि जो सनरेज जो सीधा नीचे नहीं जाती, और जहाँ पे हम वेजिटेबल कॉटन के लिए इसका 3 साल की लाइफ बोलते हैं, तो वहाँ पे इसकी लाइफ वहाँ पे बढ़ भी सकती है, 4-5 साल भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा रीयूजेबल है, एक बार डालने के बाद मानो आपको निकालना है निकाल लीजिए, वापस डालिए, बहुत आसान है, गोल 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 इसकी घड़ी हो जाती है, तो आप उस तरीके से इसका काम कर सकते हैं।
इसको बिछाने के बाद फर्टिलाइजर कैसे डालें? तो देखिए किसान भाई, पहले तो आप ये तय कीजिए कि आप इसको कैसे बिछाने वाले हैं। मान लो आपने मल्चिंग पेपर लगवाया है और बीच में जो गली छुट्टी है वहाँ पे डालने वाले हैं, तो वहाँ पे खाद का तो कोई संबंध नहीं। और आपने मल्चिंग पेपर लगाया है, इसका मतलब आपको ड्रिप लगाना है। मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देखे कि बिना ड्रिप के भी मल्चिंग का इस्तेमाल करना वो लोग बताते हैं। देखो, करने को तो कुछ भी हो सकता है, करने को तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से दिल्ली, जलगांव से दिल्ली जो 1600 किलोमीटर है, वो भी पैदल जाया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि वो हर किसान कर पाएगा या हर आदमी कर पाएगा। तो जो आसान है वो करना रहता है। तो एक चीज़ पक्की है कि अगर आपको मल्चिंग का इस्तेमाल करना है तो आपको ड्रिप लगवानी है। अगर आपने ड्रिप लगवाई है तो खाद वहाँ से छोड़िए। अगर वहाँ से भी आपको नहीं छोड़ना है तो आपने जो होल गिरा है पेड़ के आजू बाजू में, वहाँ पे सफिशियंट जगह रहती है, वहाँ पे छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने इसका इस्तेमाल मल्चिंग जैसा किया है तो इसके नीचे भी ड्रिप लगा दीजिए। या मैंने तो बोला है कि इसके ऊपर से जो पानी है वो भी परक्यूरेट हो जाएगा नीचे, तो वो भी दिक्कत नहीं है। आप ऊपर से भी कुछ देंगे तो नीचे चला जाएगा। या इसको अगर आपने लगवा दिया है मल्चिंग जैसा, तो आपका जो फसल है, आपका जो पेड़ है, उसके आजू बाजू में आपने जो होल गिराया है वहाँ से भी आप खाद दे सकते हो। तो ये कई सारे तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो सर, इसका कीमत क्या है? टमाटर के बीच 3 फीट है, लंबाई 200 फीट है। तो देखिए 28 रुपया स्क्वायर मीटर आज का रेट है। हम कभी भी वीडियो में रेट नहीं बताते, लेकिन आज मैंने बता दिया। क्या होता है कि यही वीडियो 4 साल 5 साल 10 साल बाद कोई देखेगा। हमारी रेनगन की वीडियो की जो 2012-13 में हमने डाली है, तब रेनगन का रेट कम था। तो आज भी किसान भाई वो वीडियो देख के बोलते कि आपने रेट बढ़ा दिया। तो भाई 10 साल 15 साल में तो कुछ ना कुछ बदलेगा, लेकिन 28 रुपये स्क्वायर मीटर, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा दो, आप आराम से कर पाएंगे। डालिम बागेला मल्चिंग कराइचा है, मराठी मध्ये सवाल है, मैंने आपके लिए हिंदी में किया कि अनार के लिए मल्चिंग करना है तो बिंदास इसका मल्चिंग कीजिए। आप आजू बाजू में लगवा दीजिए, जैसा मल्चिंग बिछाते हैं वैसा इसको बिछाइए और इसको बीच में ही होल गिरा के वहाँ पे पौधा लगवाइए। मल्चिंग और इसमें फर्क क्या है कि मल्चिंग की जो परक्यूरेशन है वो 0 रहती है। अगर बारिश का पानी गिरा तो नीचे एक बूंद पानी नहीं जाएगा, वो उधर खेत में जमा रहेगा। लेकिन इसका परक्यूलेशन ज़्यादा है, 15 लीटर हम बोलते हैं, प्रैक्टिकली 18 लीटर पर सेकंड हमने ये देखा है, हमने गिना है। तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको ये वीड मैट के बारे में कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।